जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आज 21 सितंबर है और आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं मैप प्रैक्टिस। जैसे शुरुआत करेंगे पहले यहाँ से, उसके बाद से हम लोग इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना देखेंगे, फिर ऑपरेशन सजग, शांति निकेतन, होयसल की पवित्र मंडली, उसके बाद से किसान ऋण पोर्टल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और देखिए, मैं आप लोग एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है वैसे द हिंदू में लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। द हिंदू को मैं पहले देखता हूँ सारी चीज़ों को। देखिए, अभी इसमें अब असेंबली, नए असेंबली में अभी आप लोग देख रहे हैं कि सत्र चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये सब न्यूज़ में है इसमें। उसके बाद इसमें महिला आरक्षण से संबंधित बिल है, महिलाओं से संबंधित। मैं इतना बेहतर तरीके से पूरा वीडियो बना करके रखा हूँ, ठीक है, बहुत पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ उसके बारे में। अभी ये जो बिल पेश किया गया आरक्षण के लिए, ये थोड़ा सा आगे बढ़े, देखते हैं आगे चल करके पास होता है क्या, विवाद क्या चीजें, मतलब कंप्लीट जब एक स्टेज आता है, ठीक है, कि अब क्या स्थिति है, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये जब तक अभी बिल ये इस पर चर्चा चलेंगी, तब तक लगातार बीच बीच में आता रहेगा। मैं उसको एक बार प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, कनाडा से रिलेटेड बातें अभी उसमें आपको देखने को मिलेंगी द हिंदू में। तो ये सब अभी क्या है ना, तुरंत न्यूज में केवल खबरें आती हैं, वैसे नहीं देखना हम लोग को। जब कुछ अच्छा एडिटोरियल आए, कुछ अच्छा जानकारी वहां से मिले, तब हम लोग उसके बारे में पढ़े। हम लोगों को न्यूज नहीं पढ़ना है ना, हम लोग को तैयारी करना है करंट अफेयर्स का, एक बेहतर समझ बनाना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल उस चीज का चिंता ना करें। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो मैं हर दिन का, अगर आप कैलकुलेट करेंगे हर दिन का, जो जिस तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को मैं कवर कर लेता हूँ। आगे पीछे जरूर होता है, लेकिन देखिए वो मेरा अपना प्लानिंग रहता है उस हिसाब से करने का, क्योंकि आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज़ को बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िए, उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप में। मैप में हम लोग को आज देखना है, देखिए, नारगोनो काराबाख, ठीक है, इस तरीके का ये एरिया का नाम है, नारगोनो काराबाख। देखिए कहाँ पे है ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको राउंड करके मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये कहाँ पे है। तो आपको मैप अगर ध्यान आ रहा होगा तो आप देखिए कि ये जो एरिया है, ये जो देश है, ईरान है, ठीक है, ईरान है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है। तो कैस्पियन और ब्लैक सी के आपको बीच में दिखेगा, ये आपको इधर अजरबैजान दिखेगा, आर्मेनिया दिखेगा, जॉर्जिया दिखेगा, रसिया दिखेगा, उसी एरिया में आपको मेन यहाँ पे फोकस करना है। दो देश में, दो देश कौन से हैं, तो अजरबैजान है और आर्मेनिया है, ठीक है। और अजरबैजान का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं इसको फिर से मिटा करके फिर से देखिए, इसका मैं एक यहाँ पे एक सीमा रेखा इसका बना रहा हूँ। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यही नाम, इसी का नाम है नारगोनो काराबाग, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में अभी एक विवाद चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मामला क्या है कि ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की तो पहली प्राकृतिक स्थिति थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका जैसा है यहाँ, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है अजरबैजान के अंतर्गत है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर आर्मेनिया, ये जो देश है इसी के जस्ट ये बगल वाला जो देश है, इस बगल वाले देश में, इसको अच्छा एक बड़े लेवल पे मैप रखा हूँ यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ पे, ये आपको ये वाला देश आर्मेनिया, ये अलग है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है इसका, जबकि अजरबैजान का ये वाला पूरा एरिया है, और इसी एरिया के अंतर्गत आता है ये वाला हिस्सा, और ये जो हिस्सा है यही है नारगोनो काराबाग, ठीक है। तो इस एरिया में अभी विवाद चल रहा है, ठीक है। विवाद क्या चल रहा है
कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर आर्मेनियाई एक तरीके से पद्धति में ये लोग जी रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं आर्मेनियाई जो देश है उसके समर्थन में रहते हैं लोग, ठीक है। जबकि अजरबैजान का ये एरिया है, तो इसके कारण से क्या होता है, कई बार इन दोनों के बीच में भी विवाद होता है। अभी यहाँ पे आतंकवादी आतंकी घटनाएं भी इसमें बहुत सारी ऐसे अभी देखने को मिला है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ ये जो एरिया है ये न्यूज़ में है। तो कभी भी यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप याद रखेंगे कि ये क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, तो अजरबैजान और आर्मेनिया से संबंधित है, इन दोनों में विवादित है। किसके बीच विवादित है, ऐसे ही प्रश्न आ सकता है, या फिर नॉर्मली चर्चे में है। तो अजरबैजान अगर उसके सीक्वेंस में आगे चलकर यहाँ देश या क्षेत्र ऐसा देगा और दोनों सीक्वेंस में रहेंगे तो बिल्कुल उसको सही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अजरबैजान का ही एरिया है, ठीक है। लेकिन लगातार इसमें संघर्ष चल रहा है, कई बार इसके कारण से युद्ध भी हुआ कि ये लोग कभी अलग हो जाए पूरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के कारण से विवाद में ये रहता है। तो देश आपको यहाँ से क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस क्षेत्र का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जो एरिया है अजरबैजान और आर्मेनिया का, वहीं का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, ये 17 सितंबर को लॉन्च हुआ, ठीक है। तो 17 सितंबर से ये एक नया योजना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि नीचे लेवल, पूरा नीचे स्तर के लेवल तक का यहाँ पे इसमें ध्यान दिया जा रहा है इस योजना में, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इस योजना में मुख्य रूप से क्या बातें की गई हैं, तो ये एक योजना जो है ना वो एक तरीके से हम लोग कहें कि जितने भी कारीगर हैं ना उन सभी को कहीं ना कहीं वित्त पोषित करने के लिए ये योजना लेकर के आया गया है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत देखिए लोहार, सुनार, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन यानी कि कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो होते हैं कुम्हार, ठीक है, बढ़ाईगिरी या फिर ये मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसाय के लोग जो है इसमें, मतलब इस योजना के मेन इन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा इनको, ठीक है। पहला कंडीशन ये याद रखेंगे, ठीक है, किन के लिए है, तो ये सभी कारीगरों के लिए है। और इसमें जो जो वित्त पोषण होगा वो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा होगा, सेंटर के द्वारा। कई बार ऐसा ऑप्शन में आता है कि यह पूर्ण रूप से केंद्रीकृत वित्त पोषित है, इस तरीके से केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है, या फिर केंद्र 50%, राज्य 50% इसमें वित्त पोषण करते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। याद रखेंगे 100% जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। और इस योजना का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है ये नोडल मंत्रालय होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट, ठीक है, तीन पॉइंट अभी तक मिला, तीनों पॉइंट आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो योजना है इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। तो ये सभी मिल करके इसके साथ ये लोग काम करेंगे। मेन जो इसका नोडल एजेंसी होगा, मंत्रालय होगा, वो होगा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। तो इसके बारे में इतना बातें ध्यान में रखेंगे। और कुछ खास बातें हैं इसमें, देखिए देखते हैं आगे। देखिए एक विशेषता के रूप में इस योजना की और कुछ खास बातें इसमें, योजना में नामांकित कारीगरों व शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा एक पहचान पत्र प्राप्त होगा। फिर क्या होगा, इसके साथ, इसी के साथ इनको 5% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक की ये लोग इनको जो है ऋण प्राप्त हो सकेगी, ठीक है, इतने ब्याज पे। तो ये एक इनको यहाँ से ये योजना के तहत इनको लाभ प्राप्त हो। उसके अलावा
इनको प्रशिक्षण देने के लिए भी यहाँ पे एक अलग से कहीं ना कहीं इसमें योजनाएं हैं, ठीक है। जैसे कि 500 रुपये और आधुनिक मतलब कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए इनको 1500 रुपये की वृत्ति प्रदान की जाएगी अलग से। तो इनको ये अलग से लाभ दिया जाएगा इसी के अंतर्गत। तो ये योजना के अंतर्गत ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 18 पारंपरिक इसमें व्यापार इसमें शामिल है। तो 18 ऐसे ऐसे व्यापार जो है इन सभी को इसमें शामिल किया गया, जैसे कि बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, ठीक है। ये सभी व्यवसायी जो है इसमें शामिल होंगे। और इसी तरीके से 18 व्यापार इसमें शामिल होगा। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गांव में जो सेवा केंद्र होते हैं वहां से इनका हो जाएगा, ये लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए नया योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए अगला है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग है, देखिए ऐसे पॉइंट्स लगभग इसमें एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। हाल ही में जो यहाँ पे ऑपरेशन सजग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, या फिर किसके लिए, किससे संबंधित है, किससे किसके लिए लॉन्च किया गया था, इस तरीके से प्रश्न नॉर्मल ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन में भी दे करके पूछ सकते हैं। तो ऑपरेशन सजग मुख्य रूप से थोड़ा सा बस इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें एक पॉइंट पहला याद रखेंगे कि पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक के द्वारा ये आयोजित किया गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये किससे संबंधित है, ऑपरेशन सजग जो है किससे संबंधित है, तो ये तटीय सुरक्षा से संबंधित है। तटीय सुरक्षा में क्या, तो तटीय सुरक्षा में जितने भी तट समुद्री क्षेत्र में जो मछुआरे मछली मारने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक ऑपरेशन सजग चलाया गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से दो बातें याद रखें, ठीक है, दो बातें ही मुख्य रूप से है इसमें, और ज्यादा कुछ बातें नहीं है। अगर हम लोग देखें भारतीय तट रक्षक जो है ये इंडियन कोस्टल गार्ड या फिर आईसीजी, तो इसके बारे में इसकी जो स्थापना है 1978 में की गई थी, तट रक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है। और ये भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी इनका। तो बस इतना ही बातें इसमें, दो बातें बस ऑपरेशन सजग के बारे में, इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, परफेक्टली इतना में आप आंसर दे लेंगे, ठीक है। लगभग ऐसे ज़्यादा इस तरीके से जो प्रश्न रहते हैं उनमें नॉर्मली ही प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखिए शांति निकेतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, शांति निकेतन। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, पहले पॉइंट में तो ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ठीक है। बीरभूम, ये बीरभूम के जिले में ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा शांति निकेतन जो है इसका अर्थ क्या है, तो ये शांति का निवास, ठीक है, इस तरीके से इसको माना जा रहा है। इसका विकास या फिर इसकी शुरुआत कब हुई इसको बनाने का या बनाया गया, तो 1901 में, ठीक है, ये शुरू हुआ। और ये किनके द्वारा शुरू किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, ठीक है। तो उसी समय से फिर इसकी शुरुआत हुई। तो दूसरे पॉइंट में याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापना की गई। और जो शांति निकेतन है ये मानवीय मूल्यों, वास्तुशिल्प और तकनीकी विकास और स्मरकीय कला, नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में अत्यधिक महत्व है इसका मुख्य रूप से, इसलिए शांति निकेतन की एक तरीके से इसकी विशेषता मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से इसको अभी 2023 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।
ठीक है, लगातार बहुत पहले से इसमें प्रयास चल रहे थे, लेकिन अभी जा करके जो है इसको ये मिल गया है, यानी कि इसको धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, इसको शामिल करने का क्या अर्थ होता है? तो इसमें अगर किसी भी चीज़ को इस तरीके से हम लोग, एक तरीके से हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के लिए उसको बेहतर से बचा करके रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पर्यटन को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो कहीं ना कहीं राजस्व को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, और उसका संरक्षण भी बढ़ जाता है, उसका रख रखाव बढ़ जाता है। ठीक है, और लोगों को उससे कुछ ना कुछ ऐसे नया सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण से उसको संरक्षण करके रखा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मानवीय मूल्यों को, ठीक है, और जितने भी ऐसे चीज़ें जो पुराने चीज़ें जो हैं उनको भी संरक्षण करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो किसी को भी अगर यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल घोषित करते हैं तो उसमें ये सब बातें देखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद से उसको घोषित करते हैं। उसके अलावा देखिए, अभी आप देखेंगे कि होयसलों की पवित्र मंडली, ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत तीन मंदिर समूह हैं, तीन यहाँ पे मंदिर है कहें तो, वो मंदिर को भी अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वे कौन से हैं? तो देखिए, मंदिर जो हैं ये लोग कर्नाटक के हसन और मैसूरू जिले के बेलूर और हलेबिदु और सोमनाथपुरा में स्थित हैं ये लोग। ये मंदिरों में जिन्होंने अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में ये लोग वर्णित है, मतलब वर्णित किया गया है। तो मुख्य रूप से इनका एक तरीके से विशेषता इसको मानिएगा, ठीक है, कि पत्थर में उकेरी गई कविता के कारण से ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, ये जितने भी है। ठीक है, और इनको भी अभी आप न्यूज़ में देखे होंगे, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो ये मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है, याद रखिएगा, चन केशव मंदिर। ठीक है, तो चन केशव मंदिर ये है बेलूर हसन जिला, ठीक है, और ये राजा विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, पहला। दूसरा होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर ये है हलेबीडु हसन जिला और राजा विष्णुवर्धन के द्वारा ये भी निर्मित है, और भगवान शिव को ये समर्पित है। ठीक है, उसके बाद से केशव मंदिर, तो जो केशव मंदिर है ये सोमनाथपुरा मैसूर जिला और होयसला राजा ये नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंड नायक के द्वारा ये एक विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा बनाया गया, सोमनाथ ये दंड नायक के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों मंदिर के बारे में ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि विश्व धरोहर स्थल का क्या मतलब होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा ये एक इस प्रकार का जो एक संगठन बनाया गया है, राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? तो इसमें सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के रूप में एक मान्यता प्राप्त हो, मतलब मान्यता देते हैं। ठीक है, और ये लगभग दुनिया भर में प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पहचान और रख रखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास के अंतर्गत 1972 से जो है ये लोग एक तरीके से विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के द्वारा ये अब यहाँ से शुरुआत किए। ठीक है, धरोहर स्थल वाला जो हरे अलग अलग जगह, तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो भी ऐसी क्राइटेरिया है, जो भी मतलब ये जो क्राइटेरिया में अगर खड़े होते हैं, खड़े उतरते हैं ऐसे स्थल प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो उनको ये जो है इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स घोषित करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जो जो मैं अभी बताया ये सभी हमारे देश के अंतर्गत। अगला टॉपिक है किसान ऋण पोर्टल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए है, आज को इस तरीके से अभी एडिटोरियल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ खास एडिटोरियल रहेगा तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा अलग से। ठीक है, अभी देखिए, किसान ऋण पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी लॉन्च किया गया। कैसे? देखिए, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग,
आरबीआई और नाबार्ड के सहयोग से इसका विकास किया गया। तो इतने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं को कहीं ना कहीं इसमें मतलब ऋण सेवाओं तक पहुंच और बेहतर करने का प्रयास करना, ठीक है, और बेहतर करना इसमें ऋण सेवाओं में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसी इसी के अंतर्गत किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी मदद करना है। तो संशोधित ब्याज अनुदान योजना ये क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो योजना है, ये योजना नॉर्मल हम लोग जो ब्याज अनुदान योजना है, बस उसी का नाम थोड़ा सा इसमें संशोधित कर दिया गया, बदल दिया गया, और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या बातें हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत कृषि और संबंध जितने भी गतिविधियां, जैसे पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सभी किसानों के लिए 7% की सालाना दर से 3 लाख रुपए तक की अल्पकालिक ऋण इनको उपलब्ध कराना इस योजना के अंतर्गत मेन उद्देश्य रखा गया है। और शीघ्र और समय पर अगर ये लोग इसका पेमेंट कर देते हैं ना, तो इनको 3% तक एक्स्ट्रा अनुदान भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोत्साहन के लिए ये संशोधित ब्याज अनुदान योजना भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका समझ गए इसका मतलब? आप देखिए, इसी में ये जो किसान ऋण पोर्टल है, इसका उद्देश्य समझ गए आप, ठीक है। ये किसके द्वारा यहाँ पे विकास किया गया उसको समझ गए। अब देखिए, कृषि ऋण पोर्टल जो है, ये एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो कि किसान डेटा और ऋण वितरण की विशेषताओं, ब्याज अनुदान के दावों और योजना आयोग के प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे किसान पोर्टल जो है, इसके बारे में 3 बातें याद रखेंगे। पहला, ये जितने भी मंत्रालय हैं, ये जो विकास किए हैं वो। दूसरे नंबर पे ये जो उद्देश्य है इसका, उस उद्देश्य को। तीसरा, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, इसके बारे में इससे संबंध सम्मिलित है। तो ये 3 बातें खास करके इस योजना के बारे में याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ से इस तरीके से इससे संबंधित मतलब प्रश्न पूछा गया है। किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 2020 में पूछा गया प्रश्न था। फर्म संपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, परिवार के लिए, घर निर्माण एवं गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। तो ऐसे प्रश्न बना करके पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो है ऑप्शन, इसमें 20 सही होगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ये सब चीजों को इसीलिए ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, नोट्स वगैरह बना करके रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का करेंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी अगर कुछ एडिटोरियल वगैरह बेहतर होगा तो मैं उसको भी जरूर डिस्कस करूंगा। आप लोग बस अच्छे से जितना चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप लोग विश्वास के साथ आप लोग तैयार करें उसको, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।